ये जो क्रिश्चियन हिंदू औरतें हैं, लड़कियां हैं आजकल की, जो समझती हैं कि नहीं उनका बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है, वैसा नहीं सोचता, ऐसा नहीं समझता, मेरी आज की स्ट्रीम में उनके लिए स्पेशल इनविटेशन कि आए और मुझे बताएं क्या मैं गलत बोल रहा हूं। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो उनके ये मोहम्मदन बॉयफ्रेंड्स क्यों हैं? ये मोहम्मदन बॉयफ्रेंड्स कहां से पैदा हो गए हैं उनके? यही मोहम्मदन बॉयफ्रेंड्स जो हैं, ये मोहम्मदन लड़कियों को क्यों नहीं पकड़ रहे? ये उनके साथ इश्क मुआशका क्यों नहीं चलाते? ये आपके साथ क्यों चलाते हैं? मैं आपको बताऊं, बात मेरी बुरी लगेगी लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप लोग इजी टारगेट हो, आप लोग इजी टारगेट हो। मोहम्मदन ने अपनी बेटियों को घर में छुपाया हुआ है, उन्हें हिलने नहीं देते, उकाब की निगाह से देखते हैं उनको, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके दिल में क्या शैतान है, किस तरीके से शैतानियां कर सकते हैं वो। लिहाजा अपनी माँ बहन बेटियों को उन्होंने घर में छुपाया हुआ है, घर में छुपा से घर से निकालते नहीं है। कुरान भी उन्हें यही कहता है, इसको ना निकालो, उस चीज पे अमल करते हैं वो। तुम लोग उनके लिए इजी टारगेट हो, तुम लोग उनके बहकावे में आ जाते हो। You guys are, you girls are easy target for them. फिर जब शादी कर लेती हो, फिर उन्हें होता है अब इस्लाम कबूल करो, फिर उन्हें होता है पर्दा करो, फिर उन्हें होता है घर से बाहर ना निकलो। जो तुमने पढ़ाइयां की हैं, जो अपने माँ बाप के इतने पैसे जाया किए हैं पढ़ाइयां करने के, वो पैसे सारे के सारे हलाम हराम। अब घर में बैठो, रोटी टुकर बनाओ, रोटी बनाओ, सालन बनाओ, खाना बनाओ। क्यों? जो जिस वजह से उसने तुमसे प्यार किया, अगर वो कहता है मुझे तुम्हारी आउट गोइंगनेस बड़ी पसंद है, मुझे तुम्हारा बात करने का तरीका बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारी एजुकेशनल इंटेलेक्चुअल डिस्कशन बड़ी पसंद है, मुझे तुम्हारा नॉलेज बहुत पसंद है, मुझे ये सब कुछ बहुत पसंद है, वो सारा कुछ भाड़ में चला जाता है जैसे ही वो आपको फाइनली मुसलमान करता है। क्यों? क्योंकि आप उसने मुसलमान कर लिया, उसको पता है कि उसने तुम्हें कैसे फंसाया, उसको पता है कि उसके जैसे हजारों और मार्केट में फिर रहे हैं, उसको पता है कि वो एक दो नंबर है और उससे से बहुत सारे दो नंबर हैं। अब वो आपको आजाद ख्याली पे नहीं रहने देगा, उसके लिए आजाद ख्याली खत्म, उसके लिए अब आजाद ख्याली भाड़ में चली गई। लेकिन अब तुम शादी कर चुकी हो, तुम्हारे धर्म में था जन्म जन्म का रिश्ता, हिंदू थी ना तुम, तुम्हारे जन्म में तो धर्म जन्म जन्म का रिश्ता था ये। या क्रिश्चियन अगर हो तो तुमने एक ही शादी करनी है ना, मैरिज इज फॉर लाइफ, हमेशा के लिए, टिल डेथ, टिल डेथ कीप्स अस अपार्ट, जब तक मौत हमें अलहदा नहीं कर दे। क्या हुआ? उस मुसलमान को पता है वो जब दिल चाहे तुम्हें ठुड्डे मार के बाहर निकाल सकता है, तुम्हें तलाक दे सकता है। तुम तो जन्म जन्म का रिश्ता लेके आई थी, अब तुम पिस रही हो, अब तुम पिस रही हो। तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है? तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है? टिल डेथ कीप्स अस अपार्ट, जब तक मौत हमें जुदा ना कर दे, उसकी आइडियोलॉजी क्या है? नहीं चली तो कोई बात नहीं, ठुड्डे मार के निकाल दूंगा। तुम अपनी आइडियोलॉजी में चल रही हो, नहीं मैं दब के रहूंगी, मैं इसकी बात सुनूंगी, मैं इसकी बात मानूंगी, चलो एक आधी मार भी खा लूंगी, एक आधी हड्डी भी तोड़वा लूंगी, और फिर आप
اس ابیوز کو سہتی جاؤ گی سہتی جاؤ گی سہتی جاؤ گی. کیا ہوگا؟ ایک بچہ ہو گیا, پھر دوسرا بچہ ہو گیا, پھر تیسرا بچہ ہو گیا. ایک لمٹ آ گئی, پانی سر سے اوپر نکل گیا ہے, چلانا شروع ہو گئی ہو, سیپریشن چاہتی ہو. اب کیا ہوا ہے؟ کہاں جاؤ گی؟ پچھلے 6 سالوں سے نوکری تم نے کی نہیں, ایکسپیرینس تمہارا کھو میں گر گیا ہے, کنویں میں گر گیا ہے. 3 بچے ہو گئے ہیں, ان کو پالو گی یا نوکری کرو گی؟ ماں باپ سے تو تم نے پہلی لڑائی کر لی تھی, وہ تمہیں سمجھا رہے تھے مت جاؤ اس کے ساتھ, مت جاؤ, مسئلہ ہے, ہم کو پتا ہے, مت کرو یہ سٹیپ, مرو گی, مت کرو. تم نے تو مانی نہیں تھی, تم تو چلی گئی. ماں باپ کو دوبارہ منہ کیا دکھاؤ گی؟ واپس جا نہیں سکتی, اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی, بچے تمہارے پاس ہیں, بچے بھی اس نے دیے, ٹھڈے مار کے تمہارے ساتھ نکال دیے. اس کو تو پتا ہے بچے دے دوں گا, جاب کر نہیں سکتی, واپس آئے گی میرے پاس, رہے گی چے بن کے ساری عمر. یہ ہو رہا ہے, یہ ہوتا آیا ہے. نہیں کچھ اور ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے. کس ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے؟ آپ کو پتا ہے اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے تو فیل کی مثال آپ کے سامنے ہے. اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے, پھر کیا کرو گی؟ کیا کرو گی؟ مرو گی, مرو گی نا. اقبال شیخ بن جائے گا کوئی, پھر کیا کرو گی؟ مرو گی, پیچھے کیا رہ جائے گا؟ بچے کہاں جائیں گے؟ جن بچوں کی خاطر علیحدہ نہیں ہوئی تھی وہ بچے کہاں جائیں گے؟ اس نے تو مار دیا, خود بھی جیل میں چلا گیا, بچے کا کیا ہوا؟ بچوں کا کیا ہوا؟ سڑک پہ آ گئے. تم نے نسل تباہ کر دی, اپنی نسل ہی تباہ کر دی, اپنی زندگی تباہ کی, اپنے ماں باپ کی زندگی تباہ کی. وہ رو رو کے ہر روز جیتے ہوئے مریں گے تمہاری سرکت کی وجہ سے. تمہارے ماں باپ رو رو کے جیتے جیتے مر گئے تمہاری سرکت کی وجہ سے. چلو دوسری مثال لے لیتے ہیں. ایک مسئلہ ہے, اس کو اسلام کا امب کا نہیں پتا, بہت اچھا مسئلہ ہے, اس کو اسلام کا امب کا نہیں پتا. کل کو اسے پتا لگ جاتا ہے, وہ اچھا والا مسلمان ہو جاتا ہے, پھر یہی کہانی. آپ ایک ایسی چیز کے اوپر اپنی زندگی کا داؤ لگا رہی ہو جو آئیڈیالوجی انہیرنٹلی بیڈ ہے, اور وہ آئیڈیالوجی انہیرنٹلی آپ کے خلاف ہے, اور وہ آئیڈیالوجی انہیرنٹلی آپ کی اوقات کو ایک کتیا سے زیادہ نہیں سمجھتا, لیکن بول نہیں رہا یا جانتا نہیں ہے. آپ اس دو چیزوں کے اوپر بیٹھ لگاؤ گے کہ وہ جانتا نہیں ہے یا بول نہیں رہا, یہ دو چیزیں ہیں نا, ان میں سے کس کے اوپر بیٹھ لگا رہی ہو؟ اس میں سے کس پوائنٹ کے اوپر بیٹھ کر رہی ہو اپنی لائف کو؟ وہ جانتا نہیں ہے اس کے اوپر؟ اگر جان گیا تو, یا وہ جھوٹ بول رہا ہے اس چیز کے اوپر؟ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اس چیز کے اوپر بیٹھ کر رہی ہو اپنی زندگی کو, تو تمہاری سے بڑی فولش, ایڈیٹ, جاہل اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور اگر تم اس چیز کے اوپر بیٹھ کر رہی ہو کہ وہ جانتا نہیں ہے, تو جس دن جانے کا کیا کرے گا؟ آپ کا خیال ہے اسلام چھوڑے گا؟ ہو سکتا ہے, دیر از اے فیئر چانس. اپنی پوری زندگی چانس کے اوپر لگا رہی ہو, اپنی پوری زندگی ایک چانس کے اوپر لگا رہی ہو کہ وہ بعد میں ایکس مسلم ہو سکتا ہے. Is that it?
تو وہ چانس تب کیوں لیتی ہو؟ پہلے لو. ابھی جب وہ تمہاری محبت میں پاگل ہے اس کو بتاؤ کہ تمہارا دین دھرم یہ کہہ رہا ہے. مانتے ہو تم تو مجھے دنیا کی یہ کہانیاں سنا رہے ہو تمہارا دین دھرم تو یہ کہتا ہے. پہلے بولو دیکھو کیا کہتا ہے. میں نہیں مانتا اس چیز کو. بھائی کیوں نہیں مانتے؟ قرآن میں لکھا ہے, صحیح حدیثوں میں لکھا ہے. میں نہیں مانتا اس ابیس. کل کو تم ماننا شروع کر دو گے تو میں نہیں کبھی مانوں گا. کیسے ثابت ہوگا کہ تم نہیں مانو گے؟ اسلام میں ایک آئیڈیالوجی ایسی نہیں ہے جیسی آپ کی ہندو آئیڈیالوجی ہے. 28 ٹائپ کے ہندوز میں نے نکال لیے ہوئے ابھی تک. ناستک ہے تو بھی ہندو کہلا سکتا ہے. کیا اسلام میں ناستک نام کا کوئی ہندو ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے ناستک مسلمان؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کسی بھی شخص نے ناستک مسلمان دیکھا ہو؟ میں نے تو نہیں آج تک سنا. کیا کسی شخص نے سنا ہے ایک ایسا مسلمان جو کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا؟ میں نے تو نہیں دیکھا. آپ لوگوں نے دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا مسلمان دیکھا ہے جو کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا, حدیث کو نہیں مانتا؟ حدیث کو ماننے والے شاید مل جائیں گے آپ کو چند ایک, لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ ہم لوگوں سے ڈرنے کے لیے ڈرتے ہیں اس وجہ سے بول دیتے ہیں. قرآن کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ملے گا آپ کو. کہیں نہیں ایسا ملے گا مسلمان جو آپ کو کہے میں قرآن کو نہیں مانتا. محمد کو نہیں مانتا. میرے پاس بہت سارے ہندو ایسے دوست ہیں جو شیو کو نہیں مانیں گے. سو کیا وہ ہندو نہیں رہے؟ نہیں نہیں وہ ہندو ہیں جی, بالکل ہندو ہیں. شاید آپ بھی نہ مانتی ہوں, اسی لیے تو آپ اس چیز پہ اقرار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ تو مانتا ہے, وہ ایسا نہیں کر سکتا. وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ پوسیبلٹی ہی نہیں ہے. پھر آپ مجھ سے یہ بولیں گی کہ نہیں ایڈم تم کو پتا نہیں ہے. ارے مجھے ہندوازم کا چاہے اتنا پتا نہ ہو, مجھے اسلام کے بارے میں 100% پتا ہے. اس بارے میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ مجھے کیا ملے گا آپ سے جھوٹ بول کے؟ لیکن اس کو کیا ملے گا آپ سے جھوٹ بول کے؟ That is what you have to see. یہ آپ کو دیکھنا ہے. مجھے کیا مل رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتی ہیں, اس سے کیا مل رہا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. اس کو آپ مل رہی ہیں, اس کو آپ کی ایجوکیشن مل رہی ہے, اس کو آپ کا گھر مل رہا ہے, اس کو آپ کا سب کچھ مل رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹلی وہ ایک نون مسلم کو مسلمان بنا رہا ہے اور اس کی فیملی نون مسلم کے تھرو چل رہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کے بارے میں سوچتا کیا ہے؟ کیا پاؤں کی جوتی سے زیادہ عزت ہے آپ کی اس کے پاس؟ میں یہاں پہ یہ بولتا ہوں کہ شاید یہ پوسیبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس وقت آپ کی عزت ہو. کیوں ہو؟ جیسا کہ میں نے بولا کہ وہ جانتا نہیں ہے. But with the passage of time, جب وہ جان جائے گا, اسپیشلی جب آپ کا پہلی اولاد ہو جائے گی, پہلا بچہ ہو جائے گا, اور اسپیشلی اگر وہ بچہ بیٹی ہوئی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس طریقے سے رہنے دے گا جس طریقے پہ وہ سوچتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ طریقے میں وہ اس کی بیٹی ایک حرام کی بن جائے گی؟ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے ساتھ ایک بھائی بیٹھے ہیں جو کہ مجھے تو مومن نہیں لگ رہے ہیں. انہوں نے انڈیا کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. جی جناب آپ مسلمان ہیں؟ جی نہیں میں لڑکی ہوں پہلی بات.
और मैं मुस्लिम नहीं हूँ। देवी इस जी बात आप क्यों जुड़े हुए हैं? ना जुड़े ना, आपके तो राइट्स टॉपिक हैं, आप क्या बता सकती हैं हमें इस अच्छा टॉपिक में? मैं बता सकती हूँ क्योंकि आई एम मैरिड टू अ मुस्लिम फर्स्ट ऑफ ला हौला ऑल। वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह। क्यों, ये क्यों गुनाह किया आपने? हाँ, अफसोस हुआ सारे सवाल साइड में। अब असल मुद्दे पे आए थे। आपने उससे क्या सोच के सवाल किया? आप अभी तक हिंदू हैं या मुसलमान हो गई हुई हैं? जी मैं पहले से कभी कोई रिलीजन मतलब मैं फॉलो करती हूँ ऑब्वियसली हिंदुइज्म बट नास्तिक हिंदू ना, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन अब आप क्या हैं, नास्तिक मुसलमान हो गए? नहीं नास्तिक नहीं है हम लोगों का कुछ और था। सो आप जो जनरलाइज चीजें देखते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं एंड स्टफ दैट इज गुड बट वी डोंट डू दैट। तो फेयर इनफ, हम लोग फेयर इनफ। का और एक कॉन्सेप्ट था। नॉन तो अभी रिलीजियस, तक एग्जैक्टली तो मैं अब अभी क्या है? तक अब तो मैं वही करती हूँ जो पहले से करती हूँ। पर आप जानते ही कि जैसे कि शादी के लिए कुछ फॉर्मेलिटी के लिए आई एम नॉट श्योर इट्स फॉर्मेलिटी और इट्स व्हाटएवर बट करनी पड़ती है मुस्लिम होनी पड़ती है। सो यस आई आप हैड मुस्लिम टू हो बी गई, ना ऑन पेपर्स। लेकिन मुस्लिम हो गई ना, ऑन पेपर्स या जो भी है, आप मुसलमान हो गई। तो जी क्यों हुई आप मुसलमान? अब आप इस्लामिक तरीके में वो कभी भी दूसरी शादी कर सकता है, आपकी औकात क्या है? ओके औकात सो मैं ये पहले बात करना चाहूंगी कि देखो इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर वुमेन। मतलब कोई भी लड़की हो ये पहली बात कोई भी डिसीजन मेरी तरह क्योंकि मेरा सिचुएशन बहुत डिफरेंट था। मैं बचपन से मतलब जब भी हमारे मेरे मम्मी पापा मुझे इस तरीके से बड़ा किए थे कि हम लोग का फैमिली बहुत डिफरेंट था तो हमने गलत बड़ा अपने आप किया था ना, उन्हें गलत गलत कहानी तरबियत दी लंबी थी, हो छोड़ सकते हैं। जाएगी। आप ये बताएं, असल मुद्दे पे आए, छोड़ दें, मम्मी पापा ने आपको सही चीजें नहीं बताई थी, दैट इज फाइन, आई अंडरस्टैंड। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आप अब मुझसे सॉरी मैं वो नहीं कहना चाह रही वो मैं इतना बस कहना चाह रही हूँ इट्स नॉट फॉर एवरीवन कि ये नहीं कर सकती जो अपना ख्याल खुद रख सकती है सफिशिएंट इनफ है अपने आप क्योंकि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है ये जिस मतलब ये कीप इट इन टू द माइंड की ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी सो कुछ भी हो जो सकता है। ओके, एग्जैक्टली मैं नाउ एक लाइन नाउ जोड़ दूं एडम भाई, एक लाइन सिर्फ बोलना है मुझे जी कि कुछ लोगों की ना जब तक आंखें काली ना हो ना, अकल दुरुस्त ही नहीं होती है। बाकी आप सही। बोलें। मेरा भी एक सवाल है अपनी ये सिस्टर से। मेरा जी आप भी कहने से सवाल यह है कि अगर इतना ही प्यार था और इतना ही सब कुछ था कि आप कन्वर्ट हो गई, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये क्यों कन्वर्ट नहीं हो सकता, मुझे ही क्यों कन्वर्ट होना है? अगर इसको प्यार है तो ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ ये चीज मैं हमेशा से पूछती थी कि ऐसा क्यों है मतलब कन्वर्शन। पहली बात हिंदुइज्म में कन्वर्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो मैं किसको कन्वर्ट करूं कैसे कन्वर्ट क्या करूं। मतलब और एक से एक से आपका ये जो नहीं, मसला आप था, कैसे हो गए फिर एक से कन्वर्ट? अली भाई, अली भाई, आपका ये जो मसला था ये सदियों से मुसलमान ही था, कहाँ से आया था ये? नहीं एक्चुअली वो भी मतलब कभी भी मतलब ऐसा मुस्लिम है कि वो लोग उनके फैमिली में कभी कोई नमाज नहीं पढ़ा अरे लाइक वेरी ये क्वेश्चन नहीं, नहीं, मैंने लेकिन रुको रुको मुसलमान रुको कराना लाजमी लिसन, है लेकिन उनमें। मुसलमान मुसलमान कब था ये मुसलमान कब था? 2 जनरेशन पहले मुसलमान हुआ है, 3 जनरेशन पहले मुसलमान हुआ है, हाँ 4 जनरेशन एक्जेक्टली पहले मुसलमान, कब मुसलमान हुआ ये? उनका मुझे नहीं पता बट क्यों नहीं मतलब पता? दैट्स द साफ प्रॉब्लम। बात नो नो, दैट्स द प्रॉब्लम। आपने कहा कि हिंदुओं में कन्वर्ट करना मुनासिब नहीं है। भाई हिंदुओं में घर वापसी है ना, कराओ, क्यों नहीं करवाया? घर हिंदुओं वापसी में नहीं है घर हिंदुओं में? हाँ है मैं मान रही तो हूँ बट फिर अच्छा वो मैं कभी ना कभी तो हिंदू था ना, अगर इंडिया से है तो कभी ना कभी हिंदू ही था ना। हाँ इंडिया में कोई सुच्चल मुसलमान तो नहीं है ना, कभी ना कभी नहीं हिंदू था, घर वापसी क्यों नहीं कराई? हाँ मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि ये सब चीजें मेरे टाइम में मैं जब चीजों के बारे में खोज रहती हूँ और व्हेन आई गॉट मैरिड तो उस टाइम में मेरा सिचुएशन दूसरा था। पहली बात मैं बाहर रहती थी इंडिया में रहती ही नहीं हूँ मैं तो उस टाइम में कैसे करूँ क्या करूँ कौन सा मतलब लॉयर को पकड़ना है वो मुझे नहीं पता था। जस्ट वी हैड टू डू दिस बिकॉज ही वॉज गोइंग टू अनदर कंट्री मैं भी दूसरी कंट्री जा रही थी तो हम लोग बस ऐसे जस्ट बिकॉज हम लोग को पेपर वर्क एक चाहिए था ताकि अच्छा कभी भी जगह में हम लोग जाएं और वहां पे अगर ऐसा कोई इश्यू हो कि यू आर यू मैरिड और नो हम लोगों को ये दिखाना पड़े जस्ट ओके, फॉर मेरा दैट। आपने सीधा सीधा सवाल था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। जी वो हिंदू क्यों नहीं हो सकता और आपको ही मुसलमान क्यों होना था? ओके इसका आंसर ये दूं कि उस टाइम में हम लोग कौन हिंदू बनेगा कौन मुस्लिम बनेगा ये चीज से ज्यादा हम लोग अपने करियर देख रहे थे और तो आपने दूसरी जो बात बोली कि वो भी कोई इतना हमारा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था, तो ओके, आपकी मैं बात मान लेता हूँ। और आज आप उसको बोल दें कि आपको इस्लाम छोड़ना है, पता चल जाएगा कितना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वो।
कब से बोल रही हूँ कि मतलब ये मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों का स्ट्रीम भी देखती हूँ और बताती भी रहती हूँ. मतलब हम लोग लाइक जोक्स करते हैं, लाइक ये सबके लिए नहीं है. पहली बात बता रही हूँ कि ये नहीं, सिर्फ एक एक ही सेकेंड एक वन इन करोड़ नहीं, के में से एक है. एक सेकेंड जी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। आप अभी भी ख्वाबों में हैं, क्योंकि आपका मसला अभी तक जो है ना सही मसला नहीं हुआ, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, अभी है वो वेस्ट में, अभी वो सही तरीके से मसला नहीं हुआ। कल को हल्का सा भी सही मसला हो गया, वो आपको छोड़ भी सकता है और दूसरी भी ला सकता है बगैर किसी उजर के। ही जी डजंट नीड टू हैव एन उजर। नंबर थ्री, आपने उसे इतनी दफा कहा इस्लाम छोड़ दो, उसे इस्लाम नहीं छोड़ा, आपने उसकी खातर इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, चाहे पेपर्स में किया लेकिन कर लिया। थैंक यू सो वेरी मच। वंस अगेन, आपके जो बच्चे होंगे उन बच्चों में से कोई ना कोई जहादी हो सकता है, जहादी मान सकता, ले सकता है, क्योंकि वो एक्सट्रीम इस्लाम के ऊपर जा सकता है, सही वाले इस्लाम के ऊपर जा सकता है। विदाउट एनी प्रॉब्लम आपकी कोई भी औलाद किसी भी एंगल पे घुस सकती है। नंबर तीसरी बात, जिस दिन आपकी आपकी कोई बेटी है अभी तक, नहीं, मैं चले भी बेटी प्लान हो, करती हूँ कभी कोई बच्चा हो. जब बेटी आपकी होगी, जब आपकी कोई बेटी पैदा होगी जो कि उस मर्द से होगी, मेरे पास उस टाइम के बाद जरूर आइएगा। जब वो 5 साल की होगी और स्कूल जाना शुरू करेगी, उस वक्त आप मेरे पास जरूर आइएगा, 5-6 साल की हो जाएगी, बल्कि शायद 5-6 साल तक फिर भी बेहतर हो जाए। 14 साल, 9 साल के चौदह बाद, साल रख हाँ लो 9 साल के बाद ना. जब वो मिडिल स्कूल में जाना शुरू करेगी ना, हाँ मेरी ये वाली बात याद रखना, मैं हूं चाहे ना हूं, ठीक है, मैं स्ट्रीम करता हूं, मैं जिंदा हूं, मैं ना हूं, जो भी हो, मेरी ये बात याद रखना, जब आपकी बेटी होएगी और वो मिडिल स्कूल में जाएगी वेस्टर्न कंट्री के अंदर, फिर मुझे आगे बताना कि आपकी गेम क्या बनती है। मैं ठीक है, समझ गई अभी तो एक्चुअली. यशी कर लो, ये एक टेम्परेरी यशी है, और ये टेम्परेरी यशी उस वक्त तक है जब तक आपकी बेटी नहीं होती। ठीक है, नहीं, मैं एक बात बोल रही हूँ कि ये जो आप चीजें बोल रहे हैं ना, ये सारी बात सच है. मैं आपका ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मैंने ऐसा कुछ कर दिया या फिर नहीं, कोई मैं स्पेशल आपकी स्पेशल कंडीशन को देखते हुए ये नहीं. बोल रहा हूं, मैं एक एग्जैक्टली आम कंडीशन की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी स्पेशल कंडीशन की बात कर रहा हूं, कि नहीं, मैं इवन ये इन नहीं. योर स्पेशल कंडीशन, इवन इन योर स्पेशल कंडीशन, जब आपकी बेटी होएगी तब सब कुछ चेंज हो सकता है. तब, ये नहीं हो सकता, नहीं है, तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, किसने क्या हो सकता है, आपने उसमें, पॉसिबिलिटी है ना, कभी भी कुछ भी हो नहीं, सकता आपने प्रोबेबिलिटी डाली है, मैं कह रहा हूं 100% ऐसा होना है, है. दिस इज सर्टन, या देयर इट यस इज नो मे बी. प्रोबेबिलिटी देयर. हाँ हो सकती है, जरूर हो सकती है. और मैं ये देना सबको चाहती हूँ कि देखिए, मेरा मैंने मेरा एडम ख्यालों में. ने मैंने एडम ने हम लोगों ने ना, आपको ही पहला, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन यू आर नॉट द फर्स्ट केस. इस तरह के बहुत केसेस हैं और उनका अंजाम देखा हुआ है, इस वजह से जो हो रहा है आज तक वो हम आपको बता रहे हैं. हो सकता है आपका जी केस एक्सेप्शनल हो, के वो डिफरेंट बात है, लेकिन नहीं, नॉर्मली ये ऐसा होता नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, और होता वही है जैसा. बेटी होने के बाद 100% है, कोई उसमें ये शक व शुबा की गुंजाइश नहीं. पहली बात मैं क्या सोचती हूँ और ग्राउंड रियलिटी क्या है मैं सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये इट्स आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस. तो बात नहीं ये है नहीं कि आप ग्राउंड रियलिटी नहीं बताएं, छोड़ दें, आप अपने मुद्दे पे रहें, वो उसके बताने के लिए हम मौजूद हैं, आप अपने मुद्दे पे रहें. आपने जो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, हम आपके थ्रू सारे दर्शकों को बता रहे हैं कि इवन आप भी जो हैं, अभी आप लोग वेस्ट में जो के चले गए, इंडिया पाकिस्तान से निकल गए, अभी तक आपकी वो वाली सिचुएशन नहीं आई, लेकिन वो वाली सिचुएशन कब आएगी, जिस वक्त आपकी बेटी आ जाएगी, स्पेशली बेटी आ जाएगी. अब बेटी को अच्छा. मुझे आप जो है ना इस्लाम से दूर करके दिखाना, और बेटा अगर आ गया तो उसको खतने के बगैर बड़ा करके दिखाना मुझे. ठीक है, ये दोनों काम जो है ना आप मुझे करके दिखाना, फिर मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ तेरा बंदा जो है ना वो वाकई तेरे से प्यार करता है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास ना आना. ठीक है, प्यार हाँ नहीं करता, प्यार तो चलो करता हो, फिर पता चल जाएगा कि वो कितना लिबरल है. आप अभी ये दावा करी ना, बहुत लिबरल लिबरल, है, बहुत मॉडर्न है वो, तो पता चल जाएगा. मैं कोई दावा कर ही नहीं रही हूँ. मैं पहली बार, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन. नहीं ना सिस्टर, आप समझ नहीं रही हैं, आप ना दावा कर रही हैं, आप ये कह रही हैं कि हम लोग बैठ के हंसते हैं. सुने तो सही, अच्छा बात सुने तो सही, अच्छा सुने तो बताएं. सही, सुने तो सही. आप जिस तरह उसको प्रेजेंट कर रही हैं ना अपने रिलेशनशिप को, आई एम रियली हैप्पी फॉर योर रिलेशनशिप, आपका इतना अच्छा No, you रिलेशनशिप है. don't have to be happy. I'm just ओके, saying. यू आर नॉट लेटिंग मी टॉक, ओके गो No, अहेड. sorry, sorry, sorry. मैं अगर मैं ये करना चाहती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहा है. मैं ये कहना चाह रही थी कि ये मेरे केस में ऐसा है, लेकिन किसी के भी केस में ऐसा नहीं है.
और मैं ये क्यों मानती हूँ, क्योंकि मैं पहली बात मैं ऐसी लड़की थी कि मैं शादी वादी ये मुझे करना ही नहीं था किसी से, मतलब आई रियली वॉन्टेड टू बी अलोन लाइक हमेशा के लिए। तो पहली बात अगर कोई आया नहीं आया वो मेरे लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ही अलग है और मैं इस तरीके का सोच ही नहीं रखती। कल को कोई रहेगा नहीं रहेगा मुझे बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ता। तो नहीं, ये नहीं तो इतना इतना आसान भी नहीं है ना कि चलो भाई ठीक हम आपसे अलग रहेंगे, चलो इतना आसान यार भी नहीं ना ये वाली चीज भी। काले भाई रहने दो यार, रहने दो रहने दो, ठीक है भाई, आई ठीक डोंट है। नो वेयर दिस इज हाँ गोइंग, यू नो मैं बिल्कुल समझ नहीं बिकॉज आ रहा। कहानी आपकी कहानी जाना बड़ी अजीब सी चल रही है, बड़े डिफरेंट एंगल्स में चल रही है, 10 एंगल्स आप खोल रही हैं। आपको मैटर नहीं करता था फिर भी आपने इस्लाम कबूल कर लिया उसे शादी करने के लिए, क्या आपने बाहर जाने के लिए इस्लाम कबूल किया था? आई डोंट केयर, राइट, आई रियली डू नॉट केयर, ठीक है। आपका रिलेशनशिप क्यों हुआ, किस तरह हुआ, क्यों, एट द एंड ऑफ द डे आपने इस्लाम कबूल किया था, चाहे वो फॉरन जाने के लिए किया था चाहे किसी भी वजह से किया था, आपने इस्लाम कबूल किया, उसने नहीं इस्लाम छोड़ा, राइट, नंबर वन। नंबर टू, अब आपके बच्चे जब होंगे वो उनके साथ क्या होगा वो मैंने आपको प्रेडिक्टेड बता दिया, और ये 99.99% मेरी प्रेडिक्शन है और ऐसी ही रहेगी अनलेस कि आप उसे छोड़ दें, ठीक है। हाँ ये बात और तो हो ये बात सकता ठीक है, है, मतलब ये हो सकता डेफिनेटली नहीं है, ये होगा प्रोबेबिलिटी इज ही, वेरी हाई, ये तो पता ठीक है, यही होगा। है। और थर्ड चीज ये है कि जनाब आपकी जिंदगी है, आपने ऐसा कर लिया, आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट थी, आपने ऐसा कर लिया, आपके साथ वो आज तक ऐसा चल रहा है क्योंकि दोनों बाहर निकल गए, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बच्चों के बाद जरूर आइएगा, हमें दर्शकों को बताइएगा कि अब आपकी हालत क्या है, ठीक है। नहीं, यही बात मैं बोलना चाहती हूँ कि इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन टू डू, यही मेरा बात है, तभी से मैं यही बोलना चाह रही हूँ तो हम कि भी ये तो वही एग्जैक्टली बोल रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। यू सो और यू ये आई अंडरस्टैंड यू आर सैक्रिफाइसिंग अ लॉट ऑफ थिंग, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक यू है हैव वो। कॉम्प्रोमाइज, यही चीज होता है, हमेशा होगा। और ये बात नहीं, मैं जिसके भी साथ हूँ, मतलब यू डोंट बिलीव कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं एंड इफ दे आर मैरिड टू इंडियन और पाकिस्तानी, मोस्टली पाकिस्तानी, मतलब उन लोगों को भी लगता है ये क्या हो गया, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अरब, तो उन लोगों को भी लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो जा रहा है। मतलब वही चले, बात थैंक है, कोई फर्क नहीं यू सो वेरी पड़ता। मच, आप आई, आपका शुक्रिया। और अगर आप बच्चे करेंगी तो जरूर लेके आइएगा हमारे पास स्ट्रीम में बताने के लिए कि अब आपकी क्या गेम बन रही है, ठीक है। और अगर आपने बाहर जाने के लिए शादी की है तो मुबारक हो, आप बाहर पहुंच चुकी हैं, ऐसी आप बात इंडिया में नहीं नहीं है, हैं, जो बहुत बहुत हैपेंड ये शुक्रिया। बहुत पहले बात है, उस टाइम में अवेयरनेस उतना भी नहीं था, प्लस हम लोग बहुत छोटे भी थे, तो चलो, बहुत किस पहले उम्र में की बात। शादी हुई थी आपकी? मेरी उम्र ठीक थी, मतलब इट्स लाइक नहीं, थ्री किस उम्र हंड्रेड में आपकी शादी हुई थी? 24, इतनी छोटी नहीं थी आप। थैंक यू सो वेरी मच, आपने जो कुछ किया था अपनी मर्जी से किया था, सोच समझ के किया था, देखभाल किया था, थैंक्स अ लॉट, आप जुड़ी and we are और happy as long as you're happy, that's it। वो आई एम बढ़िया, हैप्पी बिकॉज़ आई चूज टू बी हैप्पी, और उस हिसाब से अपने अपने लिए, सबका नहीं है, सब कोई नहीं रह सकता ऐसा हैप्पी, तो आप अपने चीजें अपने हाथों में रख पाना सबका बस का बात नहीं होता, वही मैं कहना चाहती हूँ सारे लड़कियों में। सो डोंट सैक्रिफाइस तो इट, खुल के डोंट बोलो ना, क्या सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसेस की हैं तुमने? हाँ पांच ना, दफे तो आप बोल बात भी खत्म रही हो हैं लेकिन आप जाएगी, नहीं भी बोल रही हैं, आप खुल के बोलो फिर, दस आप दफा बोलना बोल क्या चुकी चाह रही हो, हैं आप? 10 दफा बोल चुकी हो कि ये सब लोगों के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए नहीं है, नहीं सब लोगों के लिए नहीं है, इनसाइड भी कर रही हो, उसके बाद बता भी नहीं कि तुम्हें पंगे क्या हुए हैं, या क्या, व्हाट्स द नहीं, प्रॉब्लम? पंगे ये चलते हैं, बेसिकली पंगे यही चलते हैं घर में कभी भी कोई भी। ये सारे जो लड़के हैं ना, जो कि बहुत सो कॉल्ड लिबरल लड़के होते हैं मुस्लिम, तो वो लोग कभी जाते हैं किसी के साथ में, ठीक है, दोस्तों के साथ बैठे, उनके माइंड में एक चीजें रूटेड हो गई और वो लोग आके वही चीज घर पे बोलेंगे। अब आप जो जिस घर से गए हो, आपका घर का पूरा अलग रहन सहन सब कुछ अलग, एंड यू कैन नॉट डाइजेस्ट दोस फैक्ट्स इजीली कि ऐसा है वैसा है कैसा है, मतलब हर बात पे आपका डिबेट छिड़ जाएगी, हर बात पे आपका झगड़ा होगा, मतलब कभी मैरिड लाइफ कभी भी इजीली इतना नहीं हो पाएगा, मतलब सही में तो एक सेकंड, लेट आपको ये मी बोलूंगा, एडम की बात पे एक, आप, एडम की बात पे आप जो है तवज्जो दें, जो उसने बोला है आपको, उसने हाँ आपको ये 100% ठीक बोला, मैं आपको तो दोबारा यही मैंने बोलूंगा, 1000 बातों की एक मैंने बात। मैंने पहले 20 मिनट में जो बोला था कि अगर आप एक ऐसे मुस्लिम से भी शादी कर लें जो कि एक्सट्रीम ना हो और वो बिल्कुल इस्लाम को ना जानता हो, जब आप उसे, ओके यार कैन यू प्लीज लिसन फॉर द लव ऑफ गॉड, यार वो भी अगर आप उसे शादी कर लोगे तो शादी के बाद आपके पंगे भर जाएंगे, और आपने पंगे बता दिए अपने सारे, ठीक है, आपने सारे पंगे बता दिए, एक तरह के किसी हद तक आपने ढके छुपे अल्फाज में आपने अपनी इज्जत को बचाते हुए पंगे बता दिए, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग ऑलरेडी।
नाउ ये पंगे जो आपके घर में हो रहे हैं दे विल गो टू सेकेंड फेज थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज एज सून एज यू विल हैव किड्स जैसे ही बच्चे होंगे यानी आपने बता दिया है कि वो कोई इतना सेक्युलर सेकुलर नहीं है पहली बात तो सेक्युलरिज्म उसका पहले ही निकल गया था जब उसने आपको मुसलमान कराया था शादी करने के लिए उसी वक्त क्योंकि इंडिया में रहते हुए अगर आपने मैरिज करना है तो आप इंडियन सेक्युलर एक्ट के तहत शादी कर सकते थे आपको मुसलमान होने की जरूरत नहीं थी इसका मतलब है वो इतना सेक्युलर पहले ही नहीं था ठीक है उसके बाद अगर आप बाहर की किसी कंट्री में आए तो वहां पे तो वैसे ही सेक्युलर एक्ट मैरिज होते हैं ना वहां पे मैरिज के लिए दीन को देखा ही नहीं जाता ठीक है अगर आपने यहाँ पे किया तो भी कर सकते थे वहां पे किया तो भी कर सकते थे वंस अगेन उसने आपको मुसलमान बना के कराया हेंस वो इतना सेक्युलर पहले ही नहीं था शादी के बाद जो आपने पंगे बता दिए उससे वाकई वाजिया हो रहा है कि उसके जेहन में अभी तक औरत औरत ही है औरत वुमेन नहीं है औरत औरत ही है थर्ड चीज मैंने आपको बता दी है फ्यूचर की प्रेडिक्शन जो कि मैं मेरे मुताबिक तो 100% फिट फिट बैठेगी जब आपका बच्चा होगा मेल खतना होएगा जब आपकी बच्ची होगी 9 साल 10 साल की फिर मुझे बताना कि उसके कपड़े कैसे लेता है उसको फ्रॉकें पहनाने देता है कि नहीं पहनने देता है मुझे वो तब बताइएगा स्कूल में वो क्या एक्टिविटीज को करने देता है और कौन सी एक्टिविटीज नहीं करने देता All of these things जो है ना वो आपको तब पता लगेगी आई थिंक हमारी बात सारी कंप्लीट हो गई है अब हम किसी और को लेते हैं क्या ख्याल है जी 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 थैंक यू सो मच बच्चों के पास जरूर आइएगा एक दफा चले आपने बच्चे करने ही नहीं है चले ये तो और भी अच्छी बात है बच्चों को जैन में डालिएगा चले थैंक यू सो मच जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका Okay, she is pseudo-secular, bro, let her go. जी सर, letter go, sir, letter करने नहीं आता, sir, जब कोई बंदा आता है, उसे बात तो करनी है ना, letter go नहीं होता. लेकिन जो बातें वो कर रही थी, उसकी बातों का जवाब तो देना था ना, आप देखें ना, आहिस्ता आहिस्ता बातें निकलती है ना बीच में से. Eventually, हमारी दीदी ने accept किया कि उनके साथ पंगे हो रहे हैं.